नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा की ओर से एक दिवसीय सदस्यता अभियान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि तनवीर खां, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व सैयद रिजवान अहमद, प्रदेश महासचिव व आयोजक परवेज अंसारी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा की मौजूदगी में काफी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य बने, जिसमें नौजवानों के साथ साथ महिलाओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुत से लोगों ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण भी करवाया। इस मौके पर सदस्य बनने वालों में मुख्य रूप से फिरासत उल्ला, जफर आदिल, इमरान अंसारी, राकेश वर्मा, मोहम्मद रईस, सुफियान अब्बासी, वसीउल्ला साहब, मुनाफ कुरैशी, मुकेश शर्मा, ममता वर्मा, शाहीन परवीन, राबिया बेगम, मोहसिन अंसारी, कलीम अहमद, जहांगीर अंसारी, शादाब अंसारी, मोहम्मद इरफान, अदनान अली, फरहान अली, फरीदा बेगम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आलम खान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कमाल अनवर अहमद खान, सत्यवीर सुलेमान खान, मोहम्मद हारून, जसविंदर सिंह, परविंदर सिंह, जहांगीर हसन, फुरकान अली खान, हैदर सुबहान अंसारी, गुलजार अहमद सभासद, जसपाल सिंह, अमान खान, अमान अंसारी, शब्बीर हसन, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद रईस, मोहसिन खान, मुकेश शर्मा, रसीद अली खान, मोहम्मद शुएब, अमान खान, वसीउल्ला, उस्मान अंसारी, अदनान खिजार, अभिषेक कुमार शुक्ला, शादाब अंसारी, साजिद मुकर्रम अली, मोहम्मद आमिर, फैज खान, मुनाफ कुरैशी, साइमा परवेज, मोहम्मद जाहिद, फिरासत उल्ला, अब्दुल कादिर, रफीक अहमद, लईक अंसारी, सईद अनवर, मोहम्मद जुनैद, जहांगीर, मोहम्मद सईद ने पार्टी की सदस्यता ली। अभी तक कितने लोग बनाएगा? देखिए, सदस्य हम लोगों का लक्ष्य है, प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य और कम से कम एक से लेकर दो सक्रिय सदस्य और कम से कम 50 से 100 मेंबर एक बूथ पर हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य होने चाहिए। सक्रिय सदस्य और प्रारंभिक सदस्य हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष चौधरी जी, आज समाजवादी सभा की तरफ से यहाँ तारीम बहाल हो रही है। प्रदेश सचिव हमारे वर्तमान प्रदेश सचिव में भाई परवेज अंसारी के यहाँ जो उनका जो जनसेवा केंद्र है, यहाँ पर आज ये कैंप लगाया गया है स्वच्छता अभियान का। और हमारे प्रदेश के निवर्तमान महासचिव अल्पसंख्यक सभा के भाई सैयद रिजवान साहब हैं, सभासद मुन्ना भाई, तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब लोगों ने अपनी यहाँ पर कई सदस्य बनाए हैं और ये अभियान लगातार पूरे जनपद शाहजहाँपुर में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष चौधरी जी, हम लोगों का जो संकल्प है, प्रत्येक बूथ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अधिक से अधिक सदस्य, प्रत्येक विधानसभा में हर बूथ स्तर पर सक्रिय सदस्य और प्रारंभिक सदस्य बनाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, जिससे हमारे अधिक से अधिक कार्यकर्ता जुड़ें, उनमें उत्साह पैदा हो और समाजवादी पार्टी मजबूत हो, जिससे आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भरपूर लाभ हो सके। तनवीर भाई, एक छोटा सवाल है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उस पर थोड़ा सा क्या बोलेंगे? अब कानून व्यवस्था तो सबको मालूम है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था को लेकर आप कहें तो अपराध दिन पर दिन बढ़ रहा है। इस सरकार में अपराधों का गिराफ बढ़ता चला जा रहा है, फरियादी की फरियाद नहीं सुनी जा रही है, थाने में फरियादी जाता है तो उल्टा ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो सही बात बोलता है उसको आप जानते हैं, आप देख रहे हैं क्या हाल उसका सरकार कर रही है। रिजवान भाई, चूँकि आप प्रदेश अल्पसंख्यक प्रदेश सभा के अध्यक्ष हैं और इस तरीके से महासचिव हैं और हनन हो रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय का, लोगों का इस सरकार में काफ़ी हनन हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके जवाब तो बहुत हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि बात जब निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक की इस हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए, इस भारत की मातृभूमि के लिए क्या कुर्बानी रही, वो किसी से छुपी नहीं आगे बढ़ा। ये पानी के बुलबुले की तरह झूठ बोल रहे हैं। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि पानी के बुलबुले की कोई हैसियत नहीं होती है, एक झाग की तरह आता है और ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो ये व्यवस्था को इज्जत बनाकर अल्पसंख्यक को टारगेट अगर बनाना चाहते हैं तो ना इससे अल्पसंख्यक विचलित है, ना इससे अल्पसंख्यक परेशान है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि बिना किसी भी हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, विशेषकर अगर अल्पसंख्यक की अनदेखी करी जाएगी तो फिर जो हमारे
आज़ादी का जो लक्ष्य है, जो हमारे डेवलपमेंट का, जो हमारे विकास का लक्ष्य है, वो अधूरा नज़र आता है। और उसी को हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के अंदर सबका साथ लेकर, सबको साथ जोड़कर, एक भाईचारे की जो आबोहवा, जो भाईचारे का माहौल बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हुए। एक सवाल, जरा सा एक सवाल मेरा, कोई भी हो, सबको साथ लेकर। 15 अगस्त आई थी, स्वतंत्रता दिवस आया था, घर घर तिरंगा, घर घर अभियान चलाया गया था, क्या हम लोग को भी अब राष्ट्रवाद होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उन्होंने ये कहा था जिस घर में झंडा नहीं होगा उस वो? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है, आपने किया है रवि भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, दो डब्बे हैं, आप इतने बड़े दो डब्बे ले लिए भरे हुए, एक के अंदर दो कंकर डालिए और उसको बजाइए, खूब बजेगा, जोर जोर से तड़तड़ आवाज़ आएगी, और एक डब्बे को मुंह तक भर दीजिए और फिर हिलाइए तो वो आवाज़ नहीं करेगा। ये याद रखिए, जो खाली होता है वो चीख चिल्लाता ज़्यादा है, शोर ज़्यादा मचाता है, और जो भरा हुआ होता है वो शोर नहीं मचाता है, हंगामा करता है। ये जो 55 साल 60 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने तिरंगा नहीं थामा है, आज वो कह रहे हैं घर घर झंडा, हर घर झंडा, तो घर घर झंडा तो उनका नारा है। ये उनको झंडे से मोहब्बत नहीं है, तिरंगे से मोहब्बत नहीं, तिरंगे से जिनको मोहब्बत थी वो शहीद होगा और शहीद होने के लिए तैयार है। वो बॉर्डर पे भी खड़े हैं, वो देश के अंदर भी हैं, वो देश की सीमाओं की भी रक्षा कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और जो शहीद हो गए हैं, कितनी लड़ाइयाँ मैं आपको गिनवाऊँ, 1857 की गिनवाऊँ, उसके बाद की गिनवाऊँ, स्वतंत्रता संग्राम को गिनवाऊँ, किस किस चीज़ को गिनवाऊँ, जहाँ पे तिरंगे का अपमान नहीं किया गया, तिरंगे को होगा कि पत्रकारों को भी सच बोलने के लिए दबाया जा रहा है उन्हें, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग समाजवादी पार्टी हमारे पत्रकार साथियों का पूरा सम्मान करती है, और सम्मान करना भी चाहिए, देश के चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार भाई हैं, आए दिन फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं उनके ऊपर। समाजवादी पार्टी उनका हमेशा साथ दे रही है और आगे भी देगी। इस तरह के मामले जो भी हमारे लोगों के संज्ञान में आते हैं, राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी संज्ञान में आते हैं, समाजवादी पार्टी उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती है, और जनपद शाहजहांपुर में अगर कैसी कोई बात आती है उसके लिए भी समाजवादी पार्टी पूरी शाहजहांपुर के साथ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज न्यूज।